वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर, आपका अल्फा कंप्यूटर में स्वागत है। मैं उमेश निपाने, आपका टीचर, आपका ट्यूटर, अल्फा कंप्यूटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम डॉस में डीआर कमांड के बारे में ही आगे में पढ़ने वाले, मतलब डीआर कमांड के आगे के ऑप्शन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डॉस शुरू करते हैं। तो डॉस कैसे शुरू करेंगे, हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ है या इसके पहले आपको बताया हुआ है। तो हम सीएमडी लिखेंगे और यहाँ राइट क्लिक करके क्या करेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे। यस, ओके, हमारी डॉस की विंडो शुरू हो गई है, कमांड प्रॉम्प्ट शुरू हो चुका है। अब हम सबसे पहले इससे बाहर निकलेंगे, सीडी बैकस्लैश, इससे हमने बाहर निकले। अब हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जब हम डीआर करते हैं तो हमें यहाँ ज्यादा फाइलें दिखाई नहीं देती, तो हम क्या करेंगे, विंडोज नाम के फोल्डर में जाएंगे, उसमें बहुत सारी फाइल्स है, फाइल्स और डायरेक्टरी है, तो उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सीडी विंडोज में जाने के लिए सीडी विंडोज नाम का फोल्डर हम लिखेंगे, एंटर करेंगे। चलिए विंडोज में आ गए, हम डीआर करके देखते हैं कि कितनी लिस्ट है। तो देखिए आपको दिख गया कि भाई यहाँ इतनी सारी फाइल और आपको फोल्डर मिल गए। ओके, चलिए तो अब हम आगे का पढ़ते हैं। तो हमने इसके पहले जो पढ़ा हुआ है एक बार उसका रिविजन या एक शॉर्ट में उसका नोट देख लेते हैं। तो हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है डीआर, डीआर स्लैश पी, डीआर स्लैश डब्ल्यू, एडी, एए, एएच, एएस, एआर, ये ऑप्शंस हमने इसके पहले पढ़े हुए। ओके, अब हम आगे का ऑप्शन पढ़ते हैं। जैसे हम जब डीआर करते हैं, मतलब आज हम पढ़ेंगे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के बारे में। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है, जैसे हम डीआर करते हैं तो डीआर करने से क्या हमें पूरी फाइल दिखती है क्या? नहीं सर, हमें सिर्फ लास्ट वाले जो लिस्ट है वो दिखती है और ऊपर की तो ऊपर ही जाती है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, डीआर स्लैश पी और डीआर स्लैश डब्ल्यू, मतलब इस टाइप के ऑप्शन हम करते हैं। लेकिन उससे भी हमें पूरी फाइल्स और डायरेक्टरी नहीं मिलती, क्योंकि उसमें भी लिस्ट ही दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे जो फाइल का नाम है वो ए से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है, ए कैरेक्टर से शुरू होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे फाइल का नाम अमित है, तो मुझे क्या करना है कि मेरे फाइल का नाम अमित है, मतलब मेरे फाइल का नाम ए से शुरू होता है, तो ए कैरेक्टर से शुरू होने वाली मुझे सारी फाइल्स देखना है। बराबर है, तो हम क्या करेंगे, डी आई आर स्पेस, डी आई आर स्पेस, और हम क्या करेंगे, डी आर स्पेस और ए, ए मतलब ए नाम से शुरू होने वाली, तो ए स्टार डॉट स्टार। स्टार डॉट स्टार का मतलब क्या है, तो पहले स्टार का मतलब है फाइल नेम, डॉट दूसरे स्टार का मतलब है एक्सटेंशन। तो भाई मेरे फाइल का नाम ए से शुरू होता है तो मैंने ए लिखा, स्टार का मतलब पहले, कोई भी फाइल का नाम हो सकता है, मतलब ए से शुरू हो फाइल का नाम, आगे में कुछ भी हो लेकिन ए से शुरू होना चाहिए, डॉट स्टार दूसरे स्टार मतलब कोई भी एक्सटेंशन वाला चलेगा, मतलब मेरे फाइल का नाम ए से शुरू हो सकता है, मतलब ए से है, और एक्सटेंशन कुछ भी हो सकता है, बाकी कुछ भी हो लेकिन ए से शुरू हो, तो ए स्टार डॉट स्टार, एंटर। तो देखिए यहाँ को जो फाइल के नाम आपको मिले, मतलब तीन फाइल्स, मतलब तीन फोल्डर आपको यहां मिले, और तीनों का नाम देखिए ए से शुरू होता है क्या, देखिए ए से शुरू हो रहा है तीनों का नाम। चलिए मुझे देखना है कि भाई मेरे फाइल का नाम बी से शुरू होता है तो मुझे बी कैरेक्टर वाली फाइल देखना, तो डी आई आर बी स्टार डॉट स्टार, एंटर। देखिए इसमें नाम कुछ भी हो लेकिन बी से शुरू हो रहा है, मुझे सी से शुरू होने वाला देखना है तो डी आई आर सी स्टार डॉट स्टार। देखिए तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी कैरेक्टर से शुरू होने वाली फाइल्स हम देख सकते हैं। समझ में आए, चलिए फिर से नोट डाउन कीजिए, लिखिए ना ये जो मैंने बताया वो लिखो, डी आई आर ए स्टार डॉट स्टार, डी आई आर बी स्टार डॉट स्टार लिखिए, क्योंकि आप लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे। लिखा आपने, चलिए अब हम आगे देखते हैं, डी आई आर हमने एक कैरेक्टर का देखा, अब मुझे क्या करना है, डी आई आर एस ई आर
इस कैरेक्टर की फाइल से शुरू होने वाली फाइल का नाम देखना है, तो क्या करेंगे, dir ser star dot star, मतलब मेरे फाइल का नाम ser से शुरू होता है, बाकी कुछ भी हो, तो एंटर। देखिए यहां दो फाइल का नाम आपको मिला, एक सर्विस प्रोफाइल सर्विसिंग, और दोनों का नाम कहां से शुरू हो रहा है, समझ में आया कि नहीं आया। ओके, तो हमने क्या देखा अभी, कैरेक्टर से शुरू होने वाले जो भी है, ए बी सी डी जो भी है, उससे शुरू होने वाले हमने फाइल का नाम देखे। अब हम देखते हैं एक्सटेंशन से, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, चलिए देखते हैं। मैं डीआर करके लिस्ट देखता हूं। देखिए जिस भी फाइल के नाम के बाद डॉट के बाद जो तीन कैरेक्टर में आपको दिख रहा है, एलओजी डॉट एलओजी डॉट डीएलएल डॉट एक्सएमएल डॉट आईएनआई, ये जो है इसे एक्सटेंशन कहते हैं। एक्सटेंशन ये फाइल की पहचान होती है, इससे हमें यह पता चलता है कि ये जो फाइल है ये किस टाइप की है, किस सॉफ्टवेयर में शुरू होगी। तो अभी जब हम dir करके देखते हैं, ए स्टार डॉट स्टार बी स्टार डॉट स्टार करके देखते हैं, तो उसमें सारी एक्सटेंशन की आती है, नहीं आती। चलिए देखते हैं dir s स्टार डॉट स्टार, मैंने dir किया जिसमें s नाम से शुरू होने वाली सारी फाइल्स आ गई, लेकिन एक्सटेंशन देखिए कुछ सभी एक्सटेंशन आ रहे हैं, आ रहा है ना, एलओजी भी आ गया, डीएलएल भी आ गया, एक्सएमएल भी आ गया, आईएनआई भी आ गया, मतलब एक्सटेंशन कुछ भी आ रहा है, लेकिन एस नाम से शुरू होने वाली फाइल आ रही है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सिर्फ मुझे वो फाइल चाहिए जिसका एक्सटेंशन डॉट एलओजी हो, लॉग हो, फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे कौन सी फाइल चाहिए जिसका एक्सटेंशन, तो क्या करेंगे, dir फाइल का नाम कुछ भी हो, मतलब स्टार कुछ भी हो सकता है, डॉट दूसरा स्टार नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, नाम देंगे, तो log, देखिए ये वो फाइल के नाम है जिसका क्या हो, एक्सटेंशन क्या है, log है, देखिए फाइल का नाम कुछ भी हो सकता है लेकिन एक्सटेंशन क्या है। फिर से हम देखते हैं dir स्टार डॉट, मुझे ini वाली फाइल देखना है, तो dir स्टार डॉट ini, देखिए ini वाली दिखी आपको, समझ में आया। चलिए फिर से देखते हैं dir मुझे स्टार डॉट जिसका एक्सटेंशन txt है, देखिए आया क्या, नहीं आया, क्यों, होगा तो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। चलिए फिर से देखते हैं dir स्टार डॉट dat, देखिए आया क्या, समझ में आया। तो अभी हमने क्या देखे एक्सटेंशन वाइज, इसके पहले हमने क्या देखे थे नेम वाइज, कि भाई ये कैरेक्टर से शुरू होने वाले या ये फाइल हमें देखना है, अभी हमने क्या देखा एक्सटेंशन वाइज, समझ में आया, नहीं। ओके चलिए और आगे देखते हैं dir, अब हम भाई मुझे ये पता है कि भाई मेरे फाइल का नाम ए से शुरू होता है, चलिए एक बार और देखते हैं dir, मैं एस से देखता हूं, एस स्टार डॉट स्टार, तो एस नाम से शुरू होने वाली फाइल दिखी आपको, लेकिन इसमें आपको आठ कैरेक्टर की भी फाइल दिखती है, चार कैरेक्टर की भी दिखेगी, पांच भी दिखेगी, सारे दिखेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भाई मेरे फाइल का नाम एस से शुरू होता है, क्या एस से शुरू होता है, लेकिन वो सिर्फ पांच कैरेक्टर में है, कितने हैं, तो मुझे पांच कैरेक्टर से ज्यादा फाइल ज्यादा नाम वाली दिखनी चाहिए क्या, मुझे वो फाइलें देखना है जिसका नाम एस से शुरू होता है लेकिन पांच ही कैरेक्टर में है, लेकिन जब मैं dir s स्टार डॉट स्टार करता हूं तो उसमें पांच कैरेक्टर की भी दिखती है और आठ कैरेक्टर की भी दिखती है और दस की भी दिखती है, तो मुझे क्या चाहिए, जिस फाइल का नाम एस से शुरू होता है लेकिन पांच ही कैरेक्टर में है, तो कैसे देखेंगे dir s, एक हो गया s, बाकी के चार आपको पता है क्या, तो क्या करेंगे, चार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तो चार क्वेश्चन मार्क आप लगाइए, एंटर कीजिए, तो यहां उन फाइलों के नाम दिखेंगे जो क्या है एस से शुरू होती है और जिसके पांच कैरेक्टर में ही नाम है। मैं फिर से एक काम करता हूं, dir करता हूं, एस से शुरू होने वाले लेकिन छह कैरेक्टर में, तो पांच
क्वेश्चन मार्क लगाइए, एक दो तीन चार और पांच, तो पांच क्वेश्चन मार्क हमने लगाए और एक एस लिखा है मतलब छह कैरेक्टर, तो इसमें आपको छह वाली भी दिखेगी और पांच वाली भी दिखेगी। देखिए सेटअप ये पांच कैरेक्टर में है, स्पीच ये छह कैरेक्टर में और सिस्टम ये छह कैरेक्टर में। समझ में आया नहीं? चलिए अब हम देखते हैं भाई मेरे फाइल का नाम जो है मतलब पहला कैरेक्टर नहीं पता लेकिन दूसरा कैरेक्टर पता है। क्या है? मुझे अपने फाइल का नाम पहला कैरेक्टर नहीं पता, जैसे अभी पता था ए बी सी डी जिससे भी शुरू होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस कैरेक्टर से शुरू होता है, लेकिन ये पता है कि दूसरा कैरेक्टर जो है ए है। क्या है? तो क्या करेंगे, ऐसी फाइल कैसे ढूंढेंगे? तो डी आई आर पहला क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पहला मुझे नहीं पता है लेकिन दूसरा ए है, और बाकी के अगर आपको नहीं पता तो बाकी के क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, स्टार डॉट स्टार। समझे? पहला नहीं पता क्वेश्चन मार्क, जो नहीं पता वहां क्वेश्चन मार्क लगाइए, जो पता है वो लिखिए और बाकी के फिर से क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। या कोई बात नहीं, पहला मुझे नहीं पता है क्वेश्चन मार्क, दूसरा पता है ए लेकिन बाकी के नहीं पता, तो क्या करेंगे स्टार डॉट स्टार एंटर। तो देखिए पहला कुछ भी हो सकता है लेकिन दूसरा क्या है। समझ में आया आपको? ओके चलिए फिर से देखते हैं, डी आई आर पहला नहीं पता लेकिन दूसरा ई है, बाकी के नहीं पता स्टार डॉट स्टार। देखिए पहले कुछ भी है डी एच पी कुछ भी है लेकिन बाकी के सेकंड जो है वो क्या है। समझ में आया? तो ये जो है इसे हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आज, तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब बटन ये वीडियो के नीचे में आपको सब्सक्राइब दिखेगा, उस पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या हो आपको डायरेक्ट दिखे। ओके थैंक यू वेरी मच। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? स्टार दबाए हाँ, पहला स्टार मतलब फाइल का नाम, तो पहले ये दबाइए ना, पहले स्टार क्यों लगा रहे फिर आप? हाँ डी आई आर हाँ स्टार ए ए डॉट डॉट स्टार हाँ, ये पहला फाइल का नाम कुछ भी हो लेकिन लास्ट वाला ए होना चाहिए इस टाइप से। हाँ तो स्टार मतलब फाइल का नाम कुछ भी हो लेकिन लास्ट वाला जो है वो ए। चलिए देख लेते, कोई बात नहीं। जैसे डी आई आर पहला स्टार पहला कुछ भी हो लेकिन लास्ट में एस होना चाहिए, फिर डॉट स्टार याद है। तो देखिए एस है लास्ट में, है लास्ट में एस है, ये देखिए फाइल के नाम में एस है, या देखिए एस है, इसमें भी एस है, इस टाइप। ठीक है तो प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट टाइम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके थैंक यू वेरी मच।